Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel Desi Mom in Dubai का सबको सलाम। तो जनाब मैं यहाँ आ गई हूँ सिटी सेंटर अल ज़ाहिया मॉल में और ये बहुत ही खूबसूरत और आप मल्टीपल सिनेमा बहुत ही मल्टीपल चीज़ें यहाँ पे शॉपिंग एक्सपीरियंस डाइन इन और हर चीज़ का एक्सपीरियंस यहाँ पे बहुत परफेक्ट रहता है। और मैंने सोचा क्यों ना इसकी थोड़ी सी एम्बियंस और उसका लुक और इसकी जो क्वालिटीज़ हैं यहाँ पे जो ब्रांड्स हैं जहाँ पे आप इतना शॉपहॉलिक हो सकते हैं तो क्यों ना मैं आपको थोड़ा सा उसका ओवरव्यू दे दूँ। तो बेसिकली ये शारजा स्टेट में लोकेटेड है और ये बहुत ही खूबसूरत और इतना मतलब इतना अच्छा मॉल है कि आप यहाँ जाएं और आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शॉपिंग एक्सपीरियंस से लेके प्लेइंग एक्सपीरियंस तक अगर आप के बच्चों वाले हैं तो आप बच्चों के साथ भी इतना इन्जॉय कर सकते हैं। बच्चों की बहुत मल्टीपल जगह हैं यहाँ पर, फ़न प्लेसेस हैं जहाँ पर बच्चे जाके इन्जॉय कर सकते हैं। आगे आने वाली है एक जगह जहाँ पे हम लोग भी गए थे और मैंने बच्चों के एक्सपीरियंस को जो है वो कुछ रिकॉर्ड करके मैंने आपके लिए यहाँ पे शेयर भी करूँगी, तो पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पे मैं अभी अपने फेवरेट ब्रांड की तरफ चली गई थी जबकि यहाँ पे बहुत अच्छी येलो डक सेल लगी हुई है। तो अगर आप लोग वेट करते हैं इस येलो डक सेल का तो जस्ट गो एंड बाय योर फेवरेट थिंग्स क्योंकि येलो डक सेल चल रही है ऑन। तो जनाब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना जो है वैरायटीफुल कलरफुल और बहुत ही पीसफुल एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं। और वीडियो में आपको आइडिया हो ही रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा क्राउडेड भी नहीं होता, इतना बड़ा ये मॉल है, इतनी ज़्यादा इसकी कैपेसिटी है कि कितने ही लोग इसमें आ जाएं तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई हम एग्जॉस्ट हो रहे हैं या हम लोगों का टाइम अच्छा स्पेंड नहीं हो रहा और बस घर चलना है घर चलना है, ऐसा कोई भी सीन नहीं होता। तो यहाँ पीसफुल एक्सपीरियंस आप पहले शॉपिंग करें उसके बाद में बच्चों को जहाँ पे भी लेके जाना है, मल्टीपल जगहें हैं, फन प्लेसेस हैं, एक उसमें मैजिक प्लैनेट आता है, एक उसमें येपली आता है, एक उसमें और भी फेमस जगहें हैं जहाँ पर बच्चे इंजॉय कर सकते हैं। एक ये अल ज़ाहिया जो है वो आर्ट सेंटर उन्होंने न्यू ओपन किया है तो आप यहाँ पे भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं, साथ ही साथ प्ले लर्न एंड ग्रो को कूस एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि मल्टीपल ऑप्शंस यू हैव। अच्छा यहाँ पे एक भुक्कड़ कैफ़े है जैसे नाम फनी है लेकिन इसकी एमियल बहुत ही खूबसूरत है, तो अगर आपको ये इडली डोसा और इंडियन क्यूजीन अगर ट्राई करना है तो इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस, आप यहाँ पर ज़रूर जाइए। परफेक्ट स्नैक प्लेस है ये, प्रॉपर रेस्टोरेंट वाली यहाँ पे मेन्यू नहीं होता लेकिन अगर आपको स्नैकिंग करनी है तो इट इज़ अ हाईली रिकमेंडेड प्लेस क्योंकि बहुत ही मज़ा आ जाता है। तो जनाब आप यहाँ देख सकते हैं कि मल्टीपल जो है वो एक्सपीरियंसेस चल रहे हैं, सेंटर पॉइंट यहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है बच्चों की शॉपिंग के लिए। और अब हम आ गए थे यहाँ येपली जो कि सिटी सेंटर ज़ाहिया में ही लोकेटेड है अंदर, और उसके बाद आप यहाँ पे जाएं अपने बच्चों का अपने जो भी 90 मिनट्स के लिए जो हिसाब किताब होता है वो करना है, उसके बाद आपको रजिस्टर कराना है एंड आप अपने बच्चों को यहाँ पे छोड़ सकते हैं, लेट देम एन्जॉय और आप अपने शॉपिंग एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। यहाँ पे बर्थडे पार्टी हॉल भी इन्होंने बनाया हुआ है, अगर आपको बर्थडेज यहाँ पे सेलिब्रेट करनी है सो यू कैन गो एंड रजिस्टर बिफोर द डे, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस के लिए यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशन की जा सकती है, बहुत ही अच्छा पार्टी हॉल है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी एम्बियंस थी और बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी थीम थी, मुझे बहुत ही अच्छी लग रही थी। द वेरी येलो लड्डू पीला कलर था इसमें और जो पर्पल के साथ कॉम्बो था और बहुत ही पेस्टल कलर्स इन्होंने यूज़ किए हुए थे उसके साथ ही साथ, तो बहुत ही अच्छा एम्बियंस इसका लुक, कलरफुल एक्सपीरियंस यहाँ पर आप कर सकते हैं। बच्चों ने तो इन्जॉय करना ही करना है, साथ ही साथ एक अटेंडी भी आप इनके साथ जा सकते हैं, या तो मामा हो या तो फादर हो, और अगर आपके दो बच्चे हैं तो आप दोनों भी जा सकते हैं।
तो जनाब आप यहाँ देख सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एरियाज बने हुए हैं। ये अरीना था, यहाँ पे बिल्कुल जो स्लाइड्स और ये वाली चीज़ें एक्टिविटीज होती हैं वो सारी मौजूद थी। ये आर्ट एंड क्राफ्ट का सेक्शन आ गया है। आर्ट एंड क्राफ्ट में आप अपने बच्चे को ये सारी चीज़ें हैं, एक्सेसरीज इन्होंने मौजूद हैं यहाँ पे, आप आपका बच्चा आए, इन्जॉय करे और अपना बहुत ही आर्ट एंड क्राफ्ट टाइम जो है वो क्रिएटिविटली गुजार सकता है। तो यहाँ पे ये फेवरेट बच्चों का जो होता है सेक्शन, यहाँ पे ये भी मौजूद था और यहाँ पे भी आप अपने कार्ड को यूटिलाइज कर सकते हैं। और इंटरेस्टिंग पार्ट मुझे ये लगा था कि यहाँ पे सॉकर जो है वो एक वाई सॉकर के नाम से यहाँ पे था, तो बच्चा यहाँ पे भी सॉकर को एंजॉय कर सकता है। अगर आपका बच्चा स्पोर्टिक है तो आप ज़रूर यहाँ पे लेके जाइए, क्योंकि ये बहुत ही आइडियल जगह है स्पोर्ट लवर बच्चों के लिए। तो यहाँ पे ये वाला जो सेक्शन था स्पेस निंजा, यहाँ पे बच्चों ने खूब इन्जॉय किया था और खूब उन्होंने जो एडवेंचरस, जितना वो एडवेंचर कर सकते थे, एक्शन कर सकते थे, तो उन्होंने किया था। और यहाँ पे बच्चे जो हैं वो खूब जोर शोरों से चल रहा था, लेकिन आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बच्चे भी नहीं थे और बहुत ईजी गोइंग एक्सपीरियंस था ये। आप चाहें तो अपने बच्चे को यहाँ पे छोड़ के भी जा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो इजी इजी पीजी वाला सीन होता है। और ज़रूर ये जाइएगा आप इस मॉल में, इस जगह पे बच्चों को लेके जाएं, खुद जाएं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ, ये बहुत ही नीट एंड क्लीन और टाइडी जगह थी और यहाँ पे आपको हाइजीन की फिक्र करने की तो ज़रूरत ही नहीं है। और साथ ही साथ अटेंटिव आप देख सकते हैं कि हर एक एरिया में इन्होंने दिए हुए हैं और मल्टीपल अटेंटिव जो है वो आपके बच्चों को अटेंड करते हैं, सिखाते हैं और गाइड करते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से उनको इन्जॉय करने का टाइम देते हैं। तो इसीलिए आप अपने बच्चे को छोड़ के भी जा सकते हैं और आप ख़ुद भी यहाँ पे उनके साथ साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो टोटली आपकी चॉइस है, आप पे डिपेंड करता है। बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही फ्रेंडली एनवायरनमेंट और बहुत ही मस्ट गोइंग प्लेस वाला सीन है यहाँ पे। यहाँ पे उम्मीद की जाती है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरी वीडियो को। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।